परेशानी बचाने खातिर वो सो और उसने यह किया। इसलिए जिस दिल सचिन आज सचिन शो कि हमारे वो बिस्मिल्लाह करके हमारे साथ जुड़ जाए उसको तो वेलकम करा इंशाल्लाह रहमान या तो वाला जाए मोहिद्दीन साहब नयन लुकन अपन से बस है तो आसमान ये तो ही कुछ मान पानी पार्टी अपने ये तो आज चाशनीशन आमित वाइन का बाला पैटर्न मलिक बोरा पैटर्न तो पालो बोरा पैटर्न यमन भाषा पन्नी जाए कि अपनी पार्टी से सो अख पार्टी यूज पेज पेज लोकन हिंदी खतर बार से सामने से तो यम से आमित और जॉइन करने खतर ऐसे कि बहन आई कहती हूँ नाव तो बकर मोहतरम शबीर से बस गुजारिश कि तुम करावन यमन पोषमाल में माल अपनी पार्टी में माल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर गुलाम कदर शेख से बस गुजारिश कि तिमन ब्रो एम पे कर गुजारिश और जब भी तिमन ब्रो मोहतरम गुलाम नबी ओवैन सर जोरा पे खास कुछ बात है, इन्होंने अपनी पार्टी को प्रेफरेंस दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमारा यहाँ एक कन्वेंशन हुआ था, तो उस कन्वेंशन में हमने अपनी पार्टी का मंशूर और अपनी पार्टी का जो विजन है, जो थॉट है, वो उन लोगों के सामने रखा था। तो अब आज ये लोग वहाँ से आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं कि ये अपनी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते थे और आज ये आए। वानीगाम से आए, मलिकपुरा से आए, पालपुरा से आए, वानीगाम बाला के, ये इसमें ज़्यादातर जो है वानीगाम बाला से आए हुए हैं। ये जो इलाके हैं ये बेसिकली एरेस्ट वाइल संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ पहले नहीं थे, ये अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वागुरा क्लीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ये अब जुड़े हुए हैं, नए इलाके हैं, नए लोग हैं। इनके साथ जो है हमने एक दो बार वहाँ जाकर इनके गाँव में जाकर इनके साथ बात अपना इनको अपना मंशूर इनके सामने रखा। तो आज ये आए, इन्होंने कहा कि हमें आपका जो ये पार्टी का जो मंशूर है, पार्टी का जो एक नया विजन है, इसके साथ इनको बराबरी आ गई है और ये आकर आज हमारे साथ जुड़ गए। मैं आपको गुजारिश करूं ये कि ये बार बार हमें ये बात आती है बीच में, क्योंकि पिछले दिनों तो कोई 5-8 गाँव में हमारे जो ये एहतजाज हुआ, पानी नहीं था उनको, वो पानी के लिए बड़े इस वक्त बेचारे तरस रहे हैं साफ पानी के लिए। तो उस सिलसिले में जब हम इस इलाके के जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट पीछे बने हुए हैं उनका जब हमने जिक्र किया और जब उनको देखा तो वो उसमें से अक्सर जो है वो फेल है। उनमें एक शाकवारा का प्लांट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उसको पता नहीं करोड़ों रुपये, कहता हूँ कि किसी न किसी को अकाउंटेबल बना लेना चाहिए। अगर उस वक्त का नुमाइंदा प्रॉपरली देख लेता इसको कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं होता और लोग भी सफर नहीं करते।
हमें बताया था बिलोंग करते हैं। एक्चुअली हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसी ने हमें मजबूर किया यहाँ पर यहाँ तक आने के लिए और आज आज हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है। इससे पहले भी हमारी अपनी पार्टी के कुछ बड़े लीडर जो है उनके साथ हमारी वाबस्तगी रही है, खासकर गुलाम हसन मीर साहब के साथ वाबस्तगी रही है और मैंने शिविर साहब के मुतलिक थोड़ी बहुत रिसर्च भी की। मुझे ऐसा लगा कि हमें ज्वाइनिंग करनी चाहिए क्योंकि अभी एक अच्छा मौका है हमारे लिए और हमने यहाँ पर आज ज्वाइन किया। तो क्या कुछ खास वजह क्या ये है क्योंकि जो हमारी वहाँ इलाकाई पार्टी रही है चाहे नेशनल हो पीडीपी हो या कोई और पार्टी हो उन्होंने हमारे इलाके के साथ पूरे इलाके के साथ इस्तेमाल किया। ना हमें रोड्स दस्तियाब है ना हमें बिजली की फरहमी दस्तियाब है ना ही पानी का कोई बंदोबस्त है। तो अपनी पार्टी का जो मंशूर है इस वजह से हमने जो हमने इनका मंशूर पढ़ा आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि इस पार्टी से हमें बहुत सारी उम्मीद है हमें लगता है।